लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 23 भिवंडी लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक लगभग 48.89% मतदान। लोकसभा आम चुनाव के पांचवें चरण में आज ठाणे जिले के 23 भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। 20 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। भिवंडी के 23 विधानसभा क्षेत्रों में से कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक औसतन 48.89% मतदान हुआ है। ठाणे जिले के 23 भिवंडी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिशत इस प्रकार है। 134 भिवंडी ग्रामीण 58.00%, 135 शाहपुर 50.99%, 136 भिवंडी पश्चिम 47.80%, 137 भिवंडी पूर्व 43.37%, 138 कल्याण पश्चिम 43.00%, 139 मुरबाद 51.18%। ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम आंकड़े मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध होंगे। परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से मतदाता जो है अपने घर से निकले और क्या कुछ कहना चाहोगे? भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं गिनती करूंगा कि हम सभी को ये लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग करना है। आज आप देश का रूप देख रहे हो, जो भी आज देश का मोड़ है वो अलग रास्ते पे है। आज संविधान को ये मान नहीं रहे हैं। बीजेपी के दो दो खासदार खुलेआम बोल रहे हैं कि आपकी बार 400 पार इसके लिए कि हमको संविधान बदलना है। अगर संविधान ही बदलेगा तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा? हम लोग को लोकतंत्र लोकशाही आबादित रखनी है और इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। आज एक की नहीं, आप सभी जाति धर्म की सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग घर से आपके परिवार के साथ अपना मोहल्ला रहेगा, गांव रहेगा, बड़ी तादाद से बाहर निकलो, वोटिंग करो और इंडिया गठबंधन को पूरे देश में जिताओ ताकि ये लोकतंत्र लोकशाही आबादित रहनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। मामा, जिस तरीके से भिवंडी लोकसभा में महायुति विरुद्ध महाविकास आघाड़ी, लेकिन इसके बाद वंचित की तरफ से जो है नीलेश सांबरे जो है मैदान में उतर गए, तो क्या मुसलमानों का जो वोट है विभाजित हो जाए कहीं पे, क्या उसमें डिवाइडेशन देखने को मिलेगा? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़त तो महाविकास आघाड़ी और महायुति में होने वाली है। वो भी ऑलरेडी लड़त थी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 से 2.5 लाख वोट का फासला कपिल पटेल और मेरे बीच में रहेगा। 2.5 लाख वोट से अपन जीतेंगे। और दूसरी बात, वंचित के कैंडिडेट नहीं है, वो तो अपक्ष कैंडिडेट है और अपक्ष कैंडिडेट का आपने देखा होगा कि ये स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर 60 से 70 हज़ार वोट वो जरूर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ रेस में वगैरह वो नहीं है।